माय ब्लॉग शेख नौसाद, मेरे ब्लॉग पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देख सकते हैं आज हम लोग आए हैं क्रिकेट खेलने, और ये हमारे सुजीत भैया अभी ग्राउंड बना रहे थे। इसका जो पिच है देख सकते हैं, पिच काफ़ी ऊबर खबड़ हो गया था, तो जैसे ही मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया ये छोड़ दिए पिच बनाना। अब पता नहीं इनके मन में क्या है। ये देख लीजिए, एक हमारे प्लेयर है बाबू, ये है यहाँ के स्टार बल्लेबाज जो कभी नहीं खेल पाते। ये बाबू बहुत खतरनाक बैट्समैन जिसको बैटिंग नहीं मिलती। ये सूरज जो हमेशा ड्यू से प्रैक्टिस करता है लेकिन यहाँ कॉस्को से भी नहीं खेल पाता। कल बैटिंग मिलता हमेशा लेकिन कभी खेल नहीं पाता। ये देखिए हमारे दो स्टार बल्लेबाज और बॉलर दोनों लोग। जहाँ कहीं भी आप लोगों को कभी भी जरूरत पड़े रन बनाने की तो हमेशा खरा उतरते हैं। खरा उतरते देखिए, तारीफ कर रहे हैं। ये देखिए हमारे नौसाद भैया पक्का बेईमान आदमी है जो कभी कभी बेईमानी भी कर लेते हैं। उतना चलता है, उतना चलता है। ये देख लीजिए, ये पांडे जी भी बनवा रहे हैं पीस। अभी मैं आपको पीस दिखा रहा हूँ कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये उबड़ खबड़ हो गया था तो इसको हम लोग भी बना रहे हैं खेलने के लिए। क्योंकि बॉल जब अब पड़ती है इसमें ना तो कभी इधर भागती है कभी इधर भागती है। चला वो गलतियाँ ले रहे सिंगल हम। दो रन। आज का जो मैच है हम लोगों ने जीत लिया है। मेरी टीम में हम थे, सुजीत भी आते, अजीत भी आते और बाकी इन लोग पांच लोग थे। तो इन लोग मैच जो है हार गए। हम लोग 56 रन का टारगेट दिए थे लेकिन ये लोग 36 रन पे ऑल आउट हो गए। तो आज काफ़ी मज़ा आया खेलने में। इन लोग वैसे भी कभी यहाँ पे खेल नहीं पाते हैं, जीत नहीं पाते हैं हम लोग से। ये देख लीजिए, ये विकास भाई हैं जो हमेशा मैच हारते हैं। अच्छा बैटिंग किया था लेकिन मेरे से अच्छा नहीं कर पाए। और ये कहाँ गए कप्तान साहब लग रहा है भाग गए हैं यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही है, अब अगले दिन मैच खेला जाएगा। कल देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि ये लोग आज कल जो है खुन्नस में खेलेंगे, क्योंकि आज ये लोग मैच हारे हुए हैं। तो इन लोग जब मैच हारते हैं तो अगले दिन बहुत बेईमानी करते हैं। सबसे ज़्यादा बेईमान देखिए ये सबसे ज्यादा बेईमानी यही आदमी है विकास भाई। हाँ, क्योंकि आज मैच हारे कल पक्का बेईमानी होगा, फिर एक दो दिन मैच बंद हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही है मैच में। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं रजाई में हूँ और आज ठंड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हुवायू के आज भोर में बारिश हो गई, जिसकी वजह से सुबह में तो समझ में नहीं आया क्योंकि धूप तो आज निकला नहीं। और लेकिन जब हम लोग क्रिकेट खेल के घर वापस आए उसके लगभग आधे एक घंटे बाद से गलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतनी ज़्यादा गलन बढ़ गई कि मतलब बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं अभी भी रजाई में घुसा हुआ हूँ और कभी से सोच रहा हूँ कि बाहर निकलूँ जाऊँ मार्केट, लेकिन बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज। तो लेकिन फिर भी निकलना तो है ही, और जब निकलेंगे तो फिर देखा जाएगा। आज भैया के साथ चाय का लुफ्त लेते हुए ये राजा साहेब पेट्रोल पंप के पास भैया से बहुत दिनों बाद आज मुलाकात भी हुई है। भैया कुछ शब्द कहेंगे आपको? कोई शब्द नहीं। ये देख सकते हैं हम लोग आए हैं विकास भाई के हैं, ये हमारे विकास भाई हैं। ये हमारा जो है ये टाइम पास का एरिया है, अड्डा है ये हम लोग का। यहाँ पे हम लोग शाम को आके अपना टाइम पास करते हैं। ये हमारे सुजीत भैया भी आ गए हैं, देख सकते हैं अभी आ रहे हैं ये। हाँ, आज जल्दी आ गए हैं
हमेशा लेट में आते हैं और हम लोग भी आज काफ़ी दिन बाद यहाँ आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन से कोई काम आ जा रहा था तो इधर उधर चले आ रहे थे, तो आज खाली थे तो चले आए हैं विकास भाई के यहाँ। ये क्या कर रही है यहाँ पे? ये देख सकते हैं विकास भाई की भतीजी है क्या? बिटिया है। बिटिया है? हाय बोल दो, बोल दो चाचू के चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू थैंक यू। देख सकते हैं ये विकास भाई की लड़की है, काफ़ी क्यूट है। और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, विकास भाई के आए हैं तो विकास भाई आज चाय वाय पिलाएंगे काफ़ी दिन बाद। तो क्या विकास भाई? गुलाब जामुन नहीं, गुलाब जामुन आप खाइए, हम लोग को चाय पिलाइए। और शशि भाई क्या हाल चाल है? ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारे शशि भैया हैं, ये हमारे हमारे शशि भैया भी हैं। तो हम लोग अब थोड़ा यहाँ इंजॉय करा जाएगा क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। आप लोगों को एक नया अपडेट देना है, ये हमारे विकास भाई जो हैं कल पार्टी दे रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इनको एक लड़का हुआ है। इनको नहीं, हाँ भाभी को लड़का हुआ है, मतलब इनके वाइफ को। तो जो कल का प्लान है या फिर चिकन या फिर मटन जो भी बनेगा, और उनके जिक्के ये शशि भैया हमारे कुक रहेंगे और यही कल का सारा कमान संभालने वाले हैं। और बाकी पार्टी में देख सकते हैं जितने लोग हैं सब लोग शामिल हैं और हम दिख नहीं रहे हैं लेकिन हम भी शामिल रहेंगे उसमें। ये देखिए ये विकास भाई की लड़की है, काफ़ी क्यूट है देख सकते हैं। बाद में बोलिए, ये लीजिए चटनी है ना। फ्रेंड ये हम आए हैं इकराम भाई के यहाँ खाना खाने के लिए क्योंकि रात के लगभग 10 बज रहे हैं, अब घर जाने का समय भी हो गया है, तो ये हुआ कि कुछ बाहर ही खा लिया जाए। तो ये देख सकते हैं नेता है मेरे साथ में और ये हम हैं, और मैं आपको भी बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, ये इकराम भाई का दुकान है हमारे इकराम भाई। इकराम भाई ये देखिए मेनू भी बताना, मेनू तो बहुत है जिनकी यहाँ पे बड़ी फेमस दुकान है खाने के मामले में। नॉनवेज बहुत प्रकार के नॉन मिलता है यहाँ पे, अब मेनू बताने लोगों को तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग अभी चल रहे हैं खाना खाने, खाना खा के फिर यहाँ से निकलेंगे घर। और आई होप कि आज का ब्लॉग जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।